बोलो बेटी खुशी जी, आपको मैंने पार्टी का प्रवक्ता क्या बनाया? आपकी तो मर निकला ऐसी है मत। आपने जो भी कुछ कारनामे किए ना, उसकी बहुत बड़ी सजा तुम्हें मिलेगी। अच्छा, और कौन देगा? देने वाला कौन? एक ही पार्टी। आप हमें अपना त्याग पत्र इसी वक्त टेबल पर देगी। ये रहा त्याग पत्र, साइन कीजिए। मैं इस पे साइन क्यों करूं? पता है जब हमने आपको पार्टी प्रवक्ता के नियुक्ति की थी, अच्छा, उसी वक्त आपका त्याग पत्र भी हमने ले लिया था। तो ये डबल गेम खेला। तो ये डबल गेम आपने मेरे साथ खेला है। तो आप इस पे साइन करो या ना करो, यू आर डिसमिस। आप ये नहीं कर सकते। करने तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ स्वादी सर। सोच लीजिए, आपका पति और बच्चा बाहर घूमने जाते हैं सुबह 7 बजे, उनका क्या होल होगा? ठीक है पाटिल साहब बोलो। ठीक है पाटिल साहब। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपको त्याग पत्र ही चाहिए ना? ये लिया, कर दिया साइन। ये लीजिए, कर दिया साइन बस। और मेरी पेमेंट वो 1 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में पहुँच जाए। ओ शुक्रिया। पैसे के मामले में आप बड़े अच्छे लगे। सब मामले में अच्छा था, तुमने गद्दारी की। आप क्यों अभी बहस कर रहे हो? आई एम नॉट योर पार्टी वर्कर एनीमोर। अभी मैं आपके पार्टी में नहीं हूँ। मैं खुशी वैद्य। नवंबर में 26 नवंबर को सेम पद की शपथ लूंगी। अच्छा, मैं खुशी वैद्य 19 नवंबर को मैं सीएम की शपथ लूंगी। सीएम? उसको लॉन्ग फॉर्म भी आता है। 8वीं पढ़ा है तू और मेरे से सीएम का लॉन्ग फॉर्म मांगता है। चलो बता ही देती हूँ। चीफ मिनिस्टर। योर काइंड इंफॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र फॉर नेक्स्ट 25 ईयर। जो उखाड़ना उखाड़। तुझे जो उखाड़ना है ना वो उखाड़ ले। बहुत बात हो रही है, नाउ गेट आउट। वो तो मैं चली जाऊंगी लेकिन एक बात बताती हूँ। दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। और मैं सीएम पद लेके तेरे से लेके रहूंगी। इसलिए अभी से इस्तीफा के बाद की जो भाषण होता है ना, उसकी तैयारी कर। अच्छा तो मैं चलती हूँ। कट इट।